जय श्री कृष्ण। बैसाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है, यानि बरूथनी एकादशी व्रत कथा महत्व पूजा सामग्री तिथि और पारण का समय। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा और अर्चना की जाती है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से विभिन्न बुराइयों से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बना हुआ है उन्हें इस व्रत को करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है और कष्ट दूर होता है। बरूथनी एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास माना जाता है। बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर या लौकी का मखाने का इत्यादि केसर युक्त खीर, पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। धन के साथ साथ सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ध्यान रहे किसी भी एकादशी को चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्जित है। बरूथनी एकादशी व्रत विधि दशमी तिथि एकादशी के एक दिन पहले को शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ किया जाता है और आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु की दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा की जाती है। अक्षत की जगह तिल का प्रयोग करना चाहिए। यदि घर के पास पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी की जाती है और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाया जाता है। फिर धूप दीप जलाया जाता है और तिलक किया जाता है। भगवान विष्णु को गंध पुष्प और साथ ही तुलसी भी अर्पित की जाती है। फिर रात में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विधि से पूजा अर्चना की जाती है। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा की जाती है और किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह गंगा जंगल में तपस्या कर रहा था तभी वहां एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, परंतु राजा घबराया नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहा। तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उसे भालू से बचाया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत दुखी हुआ।
उसे दुखी देख भगवान विष्णु बोले कि वह शोक न करे बल्कि मथुरा जाए और मथुरा जाकर वरूथनी एकादशी का व्रत रखे। व्रत रखकर भगवान विष्णु की वराह अवतार मूर्ति की पूजा करे, उसके प्रभाव से वह फिर से संपूर्ण अंगों वाला हो जाएगा। उसका जो पैर खाया है वह उसके पिछले जन्म के दुष्कर्म है, जिसकी सजा उसे मिली है। भगवान के आज्ञा अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वरूथनी एकादशी का महत्व। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत रखने से बुरे भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुरता और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद अपने यथाशक्ति के अनुसार व्रत रखने वाला व्यक्ति दान पुण्य करता है। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरूथनी एकादशी को दुख और कष्ट मुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास, दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके सभी पापों का अंत होता है। जितना पुण्य कन्या दान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान में मिलता है, उससे अधिक फल वरूथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को यमराज से डर लगता है, उन्हें वरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके सारे डर दूर भाग जाते हैं। इस दिन व्रती भूखे रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। वरूथनी एकादशी की पूजा सामग्री। भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत की जगह काला तिल, सफेद तिल, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई, फल इस्तेमाल किया जाता है। वरूथनी एकादशी व्रत का फल। वरूथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करके सौभाग्य देने तथा मोक्ष देने वाली एकादशी है। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही वरूथनी एकादशी के व्रत रखने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्न दान और कन्या दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजे का दान करना चाहिए। वरूथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल 2023 रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 15 अप्रैल 2023 को 8:45 सायं रात्रि पर आरंभ होगी और 16 अप्रैल 2023 को सुबह 6:14 पर समाप्त होगी। इस प्रकार वरूथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ भाव से, मन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। वरूथनी एकादशी का महात्म्य है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के
कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इसका व्रत महा फलदायक है। शास्त्र का लेख हाथी घोड़ो भूमि दान को उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्न से कन्यादान। बरूथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है वह बरूथनी एकादशी के व्रत से अनायास मिल जाता है। इस एकादशी के व्रतों को दशमी में संयम करना चाहिए और अर्थात एक बार सात्विकी का श्रेष्ठ है। कन्यादान भोजन करें, मांस मसूर की दाल प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करें और रात्रि को स्त्री से रमण न करें। जुआ क्रोध मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होते हैं। फलाहार इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।